डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद सिंह, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर। आज मैं आप लोगों को राज्य के बारे में पढ़ाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी पढ़ाई से लाभान्वित होंगे। विषय सूची दिया गया है, राज्य की परिभाषाएं, राज्य के आवश्यक तत्व, राज्य और सरकार में अंतर। मानव के सामाजिक जीवन में राज्य का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज जिस समाज में हम लोग रहते हैं, राज्य उसकी सर्वोपरि संस्था है। यूनान के सुप्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि राज्य मानव समुदाय का सर्वोत्तम रूप है। वह मानव जीवन के लिए उत्पन्न हुआ है और उत्तम जीवन के लिए ही कायम है। द स्टेट इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। इट केम इन टू बींग फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। राज्य के बिना हम सभ्य सामाजिक जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। राज्य में रहकर ही मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना ही नहीं है, बल्कि सुंदरता के साथ जीवन व्यतीत करना होता है। वर्क ने ठीक ही कहा है कि राज्य समस्त विज्ञान, समस्त कला और समस्त सद्गुणों का एक महत्वपूर्ण साझेदार की तरह है। प्रकृति विज्ञान राज्य का विज्ञान है और उसमें मुख्य रूप से राज्य का ही हम लोग अध्ययन करते हैं। अतः हम लोगों को राज्य के अर्थ और रूप का ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। आज राज शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, भारत तथा अमेरिका के संघ की इकाइयों को राज्य कहा गया है, लेकिन राजनीति विज्ञान की दृष्टि में ये राज्य नहीं है, वरन राज्य की इकाई मात्र है। राजनीति विज्ञान में राज्य का प्रयोग विशिष्ट तथा वैज्ञानिक अर्थ में किया जाता है और इस रूप में हम लोग राज्य का अध्ययन करेंगे। अब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य की परिभाषा देते हुए मेकाइवर ने कहा है कि आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसे स्पष्ट शब्द की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दिया है। अरस्तु ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि राज्य परिवारों एवं ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं संपन्न मानव जीवन की प्राप्ति है। राज्य की परिभाषा देते हुए विल्सन महोदय ने कहा है कि किसी निश्चित भूभाग में शांतिमय जीवन व्यतीत करने के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं। उपर्युक्त वर्णित परिभाषाएं अपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें राज्य के मात्र तीन तत्व, जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार की ही चर्चा की गई है। इनमें संप्रभुता, जो राज्य का एक आवश्यक तत्व ही नहीं बल्कि एक अनिवार्य तत्व है, की चर्चा नहीं की गई है। प्रोफेसर गार्नर द्वारा दी गई राज्य की परिभाषाएं अधिक स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषाएं हैं। राज्य अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश में एक निश्चित भाग में अस्थायी रूप से बसा हो, जो किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतया या अंशतया स्वतंत्र हो और जिसका ऐसा संगठित शासन हो जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय करता हो।
गार्नर की परिभाषा चूंकि सबसे स्पष्ट परिभाषा है, तो जब उपर्युक्त वर्णित गार्नर के द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें गार्नर द्वारा दी गई परिभाषाएं पूर्ण एवं न्याय संगत प्रतीत होता है, क्योंकि इनमें राज्य के चारों तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब चूंकि राज्य के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं, चार तत्व जो है वह निम्नलिखित है, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अब जनसंख्या के बारे में आपको बताएंगे कि राज्य का प्रथम आवश्यक तत्व जो है वह जनसंख्या है। व्यक्तियों के समूह से ही राज्य का निर्माण होता है। मनुष्य के अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। राज्य एक मानवीय संस्था है। पशु पक्षियों के संगठन को हम राज्य नहीं कह सकते हैं। अतः राज्य के लिए निश्चित जनसंख्या का होना अनिवार्य है। गार्नर महोदय ने कहा है कि जनसंख्या के अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसी राज्य की जनसंख्या अब कितनी होनी चाहिए, इस संबंध में विद्वानों के विचारों में बड़ा ही मतभेद है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण करते हुए लिखा है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। रूसो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए और अरस्तु ने राज्य के लिए कोई निश्चित जनसंख्या का बंधन नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य की जनसंख्या इतनी अधिक होनी चाहिए कि वह आत्मनिर्भर हो सके और इतनी छोटा हो कि उसका ठीक प्रकार से शासन चल सके। किंतु आधुनिक समय में राज्य की जनसंख्या को निर्धारित करना बिल्कुल निरर्थक है एवं व्यर्थ है। आज भारत तथा चीन की जनसंख्या अरबों में है। आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या 1.30 करोड़ है। चाइना की जनसंख्या लगभग उतनी ही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सुमेरिनो तथा मोनाको जैसे राज्यों की जनसंख्या आज भी हजारों में ही है। वस्तुतः जनसंख्या या अधिक या कम होना महत्वपूर्ण नहीं है। इस संबंध में हम इतना कह सकते हैं कि जनसंख्या राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए संख्या पर्याप्त होना चाहिए और वहां के प्रदेश का प्राकृतिक साधनों के अनुपात में ही होनी चाहिए। दूसरा है निश्चित भूभाग। राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। राज्य का निर्माण एक निश्चित भूखंड पर ही होता है। इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वास्तव में जिस प्रकार जनसंख्या राज्य का भौतिक आधार है, उसी प्रकार भूभाग राज्य का भौतिक आधार है। एक निश्चित भूभाग के अभाव में जनसंख्या राज्य का रूप धारण नहीं कर सकता। 1948 के पूर्व यहूदी लोग यूरोप के विभिन्न भागों में फैले हुए थे। उनके पास जनसंख्या भी थी, उनमें संगठन भी था, लेकिन एक निश्चित भूभाग के अभाव में उसे राज्य नहीं कहा जा सकता था। फिलिस्तीन में वे लोग आकर बस गए और इजराइल नामक राज्य का अभ्युदय हुआ। राज्य की भूमि के अंतर्गत पहाड़, झील, झरना, नदी, प्राकृतिक साधन, खनिज आदि भी आते हैं। इसके अलावा राज्य की सीमा
वायुमंडल तथा 3 मील तक समुद्र का तटीय प्रदेश भी राज्य के भू क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राज्य के निष्कर्ष तक हम कह सकते हैं कि राज्य का भूभाग कम से कम इतना अवश्य होना चाहिए जिसमें राज्य की संपूर्ण जनता निवास कर सके तथा अपनी जीविका के साधन चला सके। तीसरा तत्व तो सरकार है। सरकार राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व तो सरकार है। सरकार है किसी निश्चित भूखंड में बसे हुए जन समूह का तब तक कोई राज्य नहीं हो सकता जब तक कि वह राजनीतिक दृष्टि से संगठित न हो। जब इस तरह सरकार की स्थापना के साथ ही राज्य की स्थापना होती है। इस प्रकार सरकार राज्य की आत्मा है। सरकार ही राज्य में शासन करती है तथा शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करती है। इस प्रकार सरकार जनता के हितों की रक्षा करती है तथा बाह्य आक्रमण से देश को बचाती है। सरकार के बिना जनसंख्या पूर्णतः संयमित अराजकतावादी तथा विप्लवी समूह की तरह होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सरकार के बिना राज्य पतवार विहीन नौका की तरह है। यह जरूरी नहीं कि राज्य की सरकार राजतंत्र अधिनायक तंत्र या जनतंत्र हो सकती है। सरकार का रूप चाहे जो भी हो सकती है। सरकार का स्वरूप उसे इतना शक्तिशाली अवश्य होना चाहिए जिससे कि उसकी आज्ञाओं का पालन सुचारू रूप से हो सके। मुख्यतः सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। व्यवस्थापिका राज्य के लिए कानून बनाती है। कार्यपालिका उन्हें क्रियान्वित करती है तथा न्यायपालिका उनकी सही व्याख्या करती है। संप्रभुता राज्य का चौथा आवश्यक तत्व है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता राज्य की वह अदृश्य शक्ति है जो राज्य के शीर्ष पर होता है। इसे राज्य का प्राण भी कहा जाता है। एक निश्चित प्रदेश में रहने वाले तथा सरकार संपन्न लोग भी उस समय तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकते जब तक कि इनके अधिकार में संप्रभुता न हो। उदाहरणतः हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत की अपनी जनता थी, भारत को निश्चित भूभाग भी थी और सरकार भी भारत में थी, लेकिन भारत की जो संप्रभुता थी वह ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ब्रिटिश शासन का एक अंग मात्र था। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ संप्रभुता की प्राप्ति के पश्चात भारत राज्य का रूप प्राप्त किया। अतः राज्य के लिए संप्रभुता का होना बहुत ही आवश्यक है। तो संप्रभुता के 2 पहलू भी हैं, आंतरिक तथा बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का तात्पर्य होता है कि राज्य अपनी सीमा के अंतर्गत सर्वोच्च शक्ति संपन्न है और राज्य के सभी व्यक्ति, समुदाय एवं संस्थाएं इसके अधीन हैं। बाह्य संप्रभुता का तात्पर्य है कि राज्य किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, यानी उस पर कोई विदेशी राज्य का अधिकार नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक राज्य के अंतर्गत जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता होनी चाहिए।
इसमें किसी एक तत्व के अभाव में उस संगठन को हम राज्य नहीं कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, मैंने जो आपको विषय सूची में दिया है उसका अंतिम राज्य और सरकार में अंतर ये है। अब राज्य राजनैतिक रूप से संगठित लोगों से बसा हुआ एक निश्चित प्रदेश होता है, जबकि सरकार उसका एक अभिकरण होता है जिसके द्वारा इसकी इच्छा प्रकट एवं अनुभव की जा सकती है। पहला अंतर हुआ राज्य और सरकार में। दूसरा अंतर कि राज्य के पास संप्रभुता होती है, सर्वोच्च शक्ति भी राज्य के पास होती है, जबकि सरकार की शक्ति तथा अधिकार निर्धारित होते हैं। तीसरा अंतर, राज्य स्वामी है जबकि सरकार उसकी कार्यवाहक होती है। चौथा अंतर, राज्य अस्थाई होता है जबकि सरकार अस्थाई नहीं होता है। आप जानते हैं कि सरकार हर 5 वर्ष में बदलते ही रहती है। सभी नेक्स्ट जो अंतर है कि सभी नागरिक राज्य के सदस्य होते हैं परंतु सरकार के सदस्य सभी लोग नहीं होते हैं। राज्य एक कल्पना है परंतु सरकार एक सुदृढ़ वास्तविकता है। राज्य एक निश्चित भूखंड को सूचित करता है जबकि सरकार शब्द इस अर्थ को सूचित नहीं करता है। सभी राज्यों को आवश्यक विशेषताएं एक ही जैसी होती है परंतु सभी सरकारें एक जैसे नहीं होती है। जैसे किसी कंपनी के संचालक समिति द्वारा कंपनी द्वारा नहीं होती, उसी प्रकार से सरकार स्वयं राज्य नहीं चलाती है। यह चैप्टर आपको आज पूरा हो गया और आप कल के मेरे क्लास में आप हमसे जो आज मैंने पढ़ाया राज्य के बारे में उसकी परिभाषाएं, आवश्यक तत्व, राज्य और सरकार में अंतर, इन सब पर आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।